गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज शर्मा। सभी का स्वागत है नर्सिंग सक्सेस में। अपन ने कल पढ़ा था कि यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके बारे में अब अगला टॉपिक अपना वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओरिफिस और ओपनिंग, ये क्या होता है कि जो वेजाइना होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, क्या साइज होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और कहाँ लोकेटेड होती है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो कहाँ पाई जाती है, इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। इन्फीरियर इन्फीरियर और पोस्टीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर पाई जाती है टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, या एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो ऑरिफिस है उसके इन्फीरियर और पोस्टीरियर में। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ थोड़ी धसी हुई, और पोस्टीरियर मतलब आगे की तरफ, नीचे और आगे की तरफ ये वेजाइनल ऑरिफिस पाया जाता है। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये डायग्राम है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वेजाइनल ओपनिंग। तो ये इन्फीरियर और पोस्टीरियर की तरफ लोकेटेड होती है। और अब इसके बारे में अपन बात करेंगे इसकी साइज। तो साइज का, इसका साइज फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि जो इसकी हाइमन मेम्ब्रेन होती है, हाइमन बोले तो जो वेजाइना होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन। इसको ज़्यादातर लोग वर्जिनिटी से कंपेयर करते हैं कि ये टूट जाने पर वर्जिनिटी लॉस हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एथलीट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो एथलीट होते हैं, जो डेली रूटीन में गर्ल्स होती है, जो बाइसिकल वगैरह चलाती है, एथलीट होती है, उनकी हमेशा ये ब्रेक हो जाती है। तो इसको अपने सोशल के अंदर, सोशल सोसाइटी के अंदर बहुत जने ऐसे वर्जिनिटी का पार्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये क्या होता है कि जब ये डिपेंड करती है हाइमन पर, हाइमन जब अगर टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हाइमन थोड़ी बहुत टूटे तो साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। हाइमन पे डिपेंड करती है कि हाइमन कितना ब्रेक हुई है, अगर पूरी ब्रेक है तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और हाइमन थोड़ी बहुत अगर ब्रेक हुई है साइड से तो छोटा साइज होगा। तो ये ओनली फॉर हाइमन पे डिपेंड। हाइमन क्या होती है, अपन हाइमन के बारे में पढ़ेंगे। हाइमन, हाइमन आल्सो कॉल्ड, एक मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। हाइमन क्या होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सराउंड करती है पूरे जो वेजाइना होता है, वेजाइना को ढकती है। जो हाइमन होती है ऐसा काम होता है, वेजाइना को पूरा कवर करती है, सराउंड करती है। और ये हाइमन किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। हाइमन जो होती है ये मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है, बहुत पतली झिल्ली नुमा होती है संरचना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो वेजाइना को कवर करती है। और ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। डिपेंड यही हाइमन ही करती है डिपेंड कि ये वेजाइना का जो साइज है वो छोटा या बड़ा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या होता है कि अपने पढ़ा था कि जो ये वेजाइना होती है यहाँ पे जो वेस्टिबुल होती है यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, इसे अपन बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड बोला था अपन ने,
तो ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। वजाइना ऑर्फिस के बाद अगला टॉपिक आता है बार्थोलिन ग्लैंड का। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है कि टू पेयर में होती है। टू पेयर में कैसे कि ये जो अपने कल जब वेस्टिबुल पढ़ा था तो वेस्टिबुल के दोनों तरफ जो दशावा जो क्लेफ्ट होती है जो खांच होती है उसके दोनों तरफ की ओर ये पाई जाती है। जैसे ये वेस्टिबुल है यहाँ वजाइना है ये बार्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है तो ये बार्थोलिन ग्लैंड है। ये बार्थोलिन ग्लैंड का डायमीटर कितना होता है? बार्थोलिन ग्लैंड का डायमीटर होता है 0.5 सेंटीमीटर। डायमीटर डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इसका शेप होता है पी शेप बोले तो मटर के आकार का जैसा शेप। ये अपीयरेंस क्या करती है, कैसी दिखती है? इसका अपीयरेंस क्या होता है? येलोविश व्हाइट कलर की होती है ये इसका अपीयरेंस। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब पोस्टीरियरली कहाँ तक फैली होती है? ठीक है तो इसका अपन ये आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस, ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है इसके दोनों तरफ होती है आइदर साइड। ठीक है तो अब ये जो पोस्टीरियर की तरफ लेइंग डाउन मतलब लाई होती फैली हुई होती है पोस्टीरियर की तरफ। कहाँ तक जो पोस्टीरियर की तरफ है वो कहाँ तक फैली होती है? पोस्टीरियर की तरफ फैली हुई होती है लीबियम मेजोरा तक। पोस्टीरियर तरफ लीबियम मेजोरा तक फैली होती है। आपको मैंने बताया कि ये लीबियम माइनोरा या लीबियम मेजोरा, ठीक है ये माइनोरा या मेजोरा। तो ये पीछे की तरफ, ये पीछे पोस्टीरियर की तरफ जो आगे की तरफ मतलब इसका आगे वाला भाग हो गया ये, तो ये पोस्टीरियर की तरफ कहाँ तक होती है? लीबिया मेजोरा की तरफ, मेजोरा के वहाँ तक ये लेंग इसका कुछ पार्ट लाई होता है फैला हुआ होता है। ठीक है फिर इसके बाद ये क्या काम करती है, इसका काम क्या करता है? ये सीक्रेशन करती है किसका करती है ये? अगला काम करती है सीक्रेशन करती है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस। आपको एक बात बताऊं, सीक्रेशन और एक्सक्रेशन अलग अलग होते हैं। सीक्रेशन वह पार्ट वह चीज़ होती है जिसमें किसी चीज़ का या किसी ग्लैंड का बॉडी के अंदर ही किसी चीज़ को निकालना या छोड़ना सीक्रेशन कहलाता है। और एक्सक्रेशन होता है अपनी बॉडी द्वारा बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई चीज़ छोड़ना। जैसे अपन यूरिन आउटपुट करते हैं तो उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। ठीक है तो सीक्रेशन ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर ही बॉडी के अंदर हो और वो किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर ही काम करी उसे बोलते हैं सीक्रेशन। और एक्सक्रेशन होता है बॉडी से बाहरी जो वातावरण है उसके अंदर कोई चीज़ बाहर निकालना उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का ये सीक्रेशन करती है कौन? बार्थोलिन ग्लैंड।
जो क्या ये काम क्या करता है सीक्रेशन से, क्या होता है सीक्रेशन से? सीक्रेशन कहाँ होता है? वेस्टिबुल होती है। तो वेस्टिबुल होती है कहाँ की? वेस्टिबुल वेजाइना की। उसमें यह स्मॉल थोड़ा सी जो स्मॉल अमाउंट में म्यूकस है वो यहाँ पे सीक्रेट करती है वेस्टिबुल के अंदर। वेस्टिबुल के अंदर क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था यहाँ पे खांच होती है, इसी खांच के अंदर ये म्यूकस सीक्रेट होता है। उसके बाद ये काम क्या आता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ओरोसोल या उसको चिकना करता है, चिकना या आरामदायक बनाता है या चिकना करता है या फिर उत्तेजित करता है। कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। सेक्सुअल एरोसोल ये हेल्प करता है सेक्सुअल ओरोसोल में। कौन? बार्थोलिन ग्लैंड की जो म्यूकस है जो वेस्टिबुल के अंदर आई है वो करती है सेक्सुअल ओरोसोल ओरोसोल के अंदर हेल्प करती है। डायमीटर 0.5 है, शेप पी शेप होती है, मटर के दाने की तरह होती है, अपीयरेंस येलोविश वाइट कलर की होती है। पोस्टीरियर लीबिया मेजोरा से ये दूर तक फैली हुई होती है, लीबिया मेजोरा तक पोस्टीरियर की तरफ। सीक्रेशन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस। कहाँ करती है म्यूकस सीक्रेट? वेस्टिबुल के अंदर। कौन सी वेस्टिबुल? वेजाइना की वेस्टिबुल। और ये इसका क्या काम क्या होता है? इसका काम होता है कि सेक्सुअल ओरोसोल में हेल्प करती है। अपन ने पढ़ा बार्थोलिन ग्लैंड, और आज के लिए इतना ही। अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।